नमस्कार, आशा सिंह के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मलाई कोफ्ता कितने आसान तरीके से आप बना सकते हो। इसमें क्या क्या सामग्री पड़ेगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 15 से 20 काजू है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच छोटा नमक है, ये स्वादानुसार पड़ता है, 1 चम्मच ये मगज के बीज हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच छोटी इलायची के पाउडर है, 5 से 6 कली ये लहसुन के हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, और ये 50 ग्राम खोवा है या मावा, 1 उबला आलू है, 2 टमाटर है, 2 प्याज है, 1 तेज पत्ता है और देसी घी है। आइए अब हम आपको कोफ्ता बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मलाई कोफ्ता का हम ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके लिए क्या क्या सामग्री पड़ेगी मैं उसे आपको दिखा रही हूँ। ये काजू जो मैंने आपको दिखाया था और ये मगज, इसको 1 घंटे के लिए भिगा दीजिए, फिर उसका इस तरह से पेस्ट तैयार कर लीजिए। ये 2 मीडियम आकार के जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, इसको मैंने पानी में हल्का सा उबाल लिया जिससे इसका छिलका फट जाए, उसके बाद ठंडा करके मैंने उसको पीस करके छान लिया है, इस तरह से उसका पेस्ट मैंने तैयार किया। 2 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको भी मैंने उबाल करके अदरक लहसुन के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये है बन के इस तरह से तैयार होगा। 1 उबला हुआ आलू है, ये उसको मैंने कद्दूकस करके इस तरह से रख लिया है, जब हम कोफ्ते बनाएंगे उसमें बाइंडिंग के काम आएगा। ये हम ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब 2 से 3 चम्मच में देसी घी इसमें डालूंगी, आप रिफाइंड भी डाल के बना सकते हैं। घी गर्म हो गया है, आंच को मैंने मीडियम पे कर लिया है। सबसे पहले मैं तेज पत्ता डालूंगी। अब मैं इसमें गार्लिक, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने जो तैयार करके रखा था वो डालूंगी। अब अदरक और लहसुन पेस्ट को ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको चलाते रहिए 1-2 मिनट और मीडियम आंच पे, और ये ध्यान रखिए कि ये ब्राउन ना होने पाए, थोड़ा सा भून जाए बस, कच्चापन से इसका खत्म नहीं। मैंने भून लिया 2 मिनट, ये इस तरह से हो गया है, अब ही छोड़ रहा था। अब इसमें मैं सूखे मसाले सारे डालूंगा। सबसे पहले मैंने धनिया डाला है, ये गरम मसाला है, जीरा है, हल्दी थोड़ी डालते हैं रंगत के लिए, ये इलायची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं धीमे धीमे मीडियम आंच पर भूनती रहूंगी, जिससे ये जलने न पाए, इसलिए बराबर हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए मेरा मसाला भून के तैयार हो गया है, और किनारे से देखिए ये घी छोड़ रहा है, ये देख लीजिए। अब इसमें मैंने जो टमाटर उबाल के पीस के रखा था, पेस्ट तैयार किया था छान के, अब उसे डाल रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, टमाटर का बीज छान देने से इसका जो ग्रेवी होती है बहुत सिल्की होती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है सॉफ्ट। आप पीस के ग्रेवी में टमाटर इस तरह से डाल सकते हैं, बिना छाने भी आप बना सकते हैं। देखिए अब 2 मिनट हो गया है टमाटर को भूनते हुए, अब मैं इसमें मगज और काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। आँच हमेशा मीडियम रखिए, बराबर चलाते रहिए। देखिए मेरी ग्रेवी अच्छी तरह से भुन गई है और आपस में सब मसाले मिल चुके हैं। इसको भूनने के बाद मसालों का एरोमा बहुत अच्छा उभर के आता है, इसमें मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और इसका कलर देखिए। ग्रेवी में अभी पानी मैं डालूंगी, उससे पहले इसका कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत सॉफ्ट और सिल्की है मसाला ये। इसमें मैं 1 मग पानी डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती है, इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। इसमें मैंने पानी थोड़ा और डाल दिया है, क्योंकि जब मैं कोफ्ता डालूंगी इसके अंदर तब ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा पानी इसको मैंने और बढ़ा दिया, 1 कप से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। अब देखिए किनारे किनारे से बॉयल होने लगा है, अब मैं आँच को सिम पे करके इसको ढक्कन लगा के
5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर मेरी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं कोफ्ते का मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, अब इसको मैं मसल दूंगी इस तरह से। जितना अच्छा मसलेंगे उतना सॉफ्ट कोफ्ता बनेगा। अब मैंने पनीर को मसल के तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं एक आलू जो घिस के रखी थी कद्दूकस करके उसे मिला दूंगी। कोफ्ता सॉफ्ट बने इसलिए 2 चुटकी मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे बाइंडिंग अच्छी बनेगी और कोफ्ता फटेगा नहीं। अगर फटता है फिर मैं थोड़ा मिलाऊंगी। ये मैंने खोआ रखा था वो मैंने डाल रही हूँ। खोआ डालने से और सॉफ्ट बनता है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक मिला रही हूँ। अब इन सबको आपस में अच्छी तरह मिला करके नमकीन गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट मिश्रण मैं तैयार करती हूँ, जिससे गोले बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। इसको इस तरह से हथेली के सहारे अच्छी तरह से मिला मिला के मैं इसका मिश्रण तैयार करती हूँ। इसका कोफ्ता जो बनेगा बहुत सॉफ्ट बनेगा। 5 मिनट हो गया है, मेरी ग्रेवी बन करके अब तैयार हो गई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा ही, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मसालों का अरोमा एकदम निकल के बाहर आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे बंद करूंगी। आप अब नमक चख लीजिएगा अपने स्वाद अनुसार, फिर उसके बाद गैस बंद। अब हम कोफ्ता बनाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लेकर के मिश्रण को छोटा सा गोला बना करके मैं इसको तल के देख लूंगी ये फट रहा है कि नहीं फट रहा है। अगर नहीं फटता है तब मैं सारे गोले बना करके इस तरह से कोफ्ता तैयार करके फिर इकट्ठे तल लूंगी। मेरा आय गर्म हो चुका है, अब इसको मैं टेस्ट करूंगी। और इसके हल्के हाथों से आप इधर उधर इस तरह से कर करके टच मत करिएगा, क्योंकि पनीर भी हल्का होता है, इसमें बाइंडिंग हल्की होती है तो टूटने का डर रहता है। आप केवल कलछी से तेल हिलाते रहिए। देखिए ये मेरा बन करके तैयार हो गया है, ये टूट नहीं रहा है। अब मैं सारे कोफ्ते बना करके तैयार करके इस तरह से मैं तल के रख लूंगी। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा ले करके कोफ्ते बना करके आप थोड़ा तैयार कर लीजिए। देखिए फटाफट तैयार हो जाता है हल्के हाथों से इस तरह से। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, हल्के हाथों से इस तरह से जैसे आप गुलाब जामुन बनाते हैं उस तरह से कोफ्ता आप बना लीजिए। मैंने कोफ्ते बना करके तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसे तलूंगी। अब इसको भी मैं तेल को देखिए मैं हिला रही हूँ और टच नहीं करूंगी, नहीं तो टूटने का डर रहता है। अगर आपका कोफ्ता टूटता है तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला लीजिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर ये मेरे कोफ्ते बनके तैयार हैं। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते तल लूंगी। और बहुत सॉफ्ट है कोफ्ते, देखिए कितना परफेक्ट ये तल रहा है और कितना गोल्डन है। देखिए आप टच कर रहे हैं, देखिए अब टूट नहीं रहा है। आप तलते समय मेन सावधानी इसमें यही बरतेंगी आप कि जब पहले डालिए 1 मिनट रुक जाइए, टच मत करिए, केवल आयल को गर्म आयल रहता है, और मीडियम आंच से ज्यादा तेज मत करिएगा नहीं तो जलने का डर रहेगा। देखिए कितना सुंदर ये तल के तैयार हुआ है, मेरा कोफ्ता बनके तैयार है। कितना सुंदर है कलर इसका, मैंने इसी तरह करके सारे कोफ्ते मैंने तल लिए। फिर मैं आपको ग्रेवी में डाल के इसको दिखाती हूँ। मेरे कोफ्ते भी तैयार हैं, मेरी ग्रेवी भी तैयार है। कोफ्ता ग्रेवी में डालने से पहले ग्रेवी को हल्का गर्म कर लीजिए, जिससे कोफ्ता आसानी से मुलायम हो जाता है और खाने में अच्छा स्वादिष्ट होता है। देखिए मैंने ग्रेवी गर्म कर रखा है, आप भी जरूर गर्म करिएगा ये देखिए। और आप इस तरह से कोफ्ते बना करके तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो ग्रेवी गर्म करिए, कोफ्ते डाल करके 2 मिनट के लिए ढक दीजिए, फिर उसको आप सर्व कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको बाउल में रख के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने मलाई कोफ्ते को
क्रीम और धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। अब ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। गर्मा गर्म आप पराठा से, नान से, फ्राइड राइस से, चाहे जिससे भी आप इसका आनंद लीजिए। मेरा मलाई कोफ्ता बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा। थैंक यू।